जिस दिन जाके धमकी दिए थे उस दिन पता चला था पापा जी का, तो उसी दिन मालूम चला। उसके बाद फिर जब हम करने लगे तो नहीं पता चला, बल्कि तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, तो कह रहे थे जो हम मर जाएंगे। सोनी यादव जो पंकज है उनसे आप कब से प्यार करती थी? 6 महीने से करती थी। बस के बोलिए 6 महीने से जी। पहली बार कब बात की थी आप? फोन से बात की है? फोन से बात की। फोन किसे? फोन से बात की थी जी। और कहाँ पर आपका मुलाकात हुआ था? नहीं। तो फिर कैसे मैंने फोन पर आप बात करने लगी? मतलब मेरी एक सहेली थी ना, तो उन्हीं के नंबर, वही नंबर दी थी उनको। जो पंकज के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि पंकज की मौत के 2 घंटा पहले आपने मैसेज किया था उनके बहन के पास, सही है आरोप? जी, इन्हें पता था जो मर गए कि क्या किए, लेकिन दीदी को फोन की मैसेज फोन किए ना पहले, तो दीदी एक बार नहीं उठाए, एक बार उठाए तो बोले, हम बोले ना जे पंकज जी कहाँ हैं, तो बोले क्या नहीं पता से कहीं गए होंगे, से रखो फोन, तो काट। उसके बाद हम मैसेज किए से दीदी बता दीजिए ना से सुबह से बात नहीं हुआ, तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं दी। पंकज जी बोल रहे थे आपसे शादी भी करेंगे जी? कब बोले थे? बोले थे थोड़े दिन पहले, तो हम बोले कि जब पापा मम्मी तो राजी नहीं होंगे, कास्ट अलग है, तो बोल के तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, तो कह रहे थे जो हम मर जाएंगे, तो पहले कहते थे जो मर जाएंगे पर कुछ नहीं किए थे। उस रात क्या हुआ ही नहीं पता। जो पंकज का लाश मिला है बिल्ली के खंभे पर लटका हुआ, आपको कब मालूम चला? सुबह में चला। पंकज जी नहीं बताते थे कि धमकी भी कोई दे रहा है मारने का, कुछ कहते आपसे? नहीं, पहले कहते थे जी मेरा दुश्मन है, पर नाम नहीं बताते थे, पूछते थे था। अच्छा, कहते थे कि मेरा दुश्मन है पहले से? जी जी, बहुत सारे हमारे दुश्मन है, तो पूछते थे जो कौन है, तो नहीं बताते थे। अच्छा, नहीं बताते थे। ये कितना एज हो रहा है आपका? 16 साल जी। उनका एज कितना था? 20 है, कैसे होगा। तो जो आरोप लगा रहे हैं पंकज के घर वाले, वो गलत आरोप है? उनका बेटा गया है और चार बहन के जो भाई गया है और मेरा जो प्यार गया है, तो वो कैसे नहीं लगाएंगे। थोड़े दिन पहले जब पापा जी को पता चला, तो जा कर के उनको समझाए यार थे और बोले थे जो नहीं करने के लिए, तो गांव के आदमी यार जो आ गए थे, तो इसी का कोई फायदा उठा लिए होंगे, यही तो नहीं मालूम। लेकिन उन लोग शक हो भी नहीं करेगा, जो कोई आदमी आके मेरे बेटे को धमकी दिया तो वही आदमी कर सकता है, पर उन लोग को यही नहीं लगेगा जो हाँ वही की हम इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कोई सामने नहीं लाते हैं। तो पंकज के घर वाले कह रहे हैं कि आपके भाई और पिताजी पंकज को मारने का धमकी दिए थे पर ऐसा नहीं किए। उस रात पापा जी और भाजी प्रोग्राम में गए थे और मम्मी भी यहाँ नहीं थी। क्यों धमकी दिए थे आपके पिताजी या भाई? जो हम बात कर रहे थे ना, इसीलिए जो मतलब बात नहीं करे, ऐसा भी करेंगे तो बात नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं माने, वो भी बात कर रहे थे, हम भी कर ही रहे थे। आप लोग बात कर रहे थे, घर के लोगों को मालूम था? नहीं नहीं मालूम था। तो फिर कैसे रोक रहे थे कि आप बात मत कीजिए? मतलब जिस दिन जाके धमकी दिए थे ना, उस दिन पता चला था पापा जी का, तो उसी दिन मालूम चला। उसके बाद फिर जब हम करने लगे तो नहीं पता चला। प्यार करना गलत है कि सही है? गलत तो नहीं है, है तो सही, लेकिन उसको अच्छी तरह से निभाना चाहिए। इनका कहना है प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन सही तरीके से निभाना चाहिए। पंकज के मौत से के बाद से काफ़ी इनका स्थिति खराब हो चुका है, सदमे में है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पूरा सदमे में है, बोल नहीं पा रही है, साहब धीरे धीरे बोल पा रही है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो लोग कह रहा है कि आप लोग पुलिस को खरीद लिए हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं। अगर पुलिस को हम लोग कैसे खरीद सकते हैं? अगर उनका कहना है तुम जो खरीद लिए, आप लोग भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर पुलिस नहीं किए हैं तो आप लोग भी तो थोड़ा मदद कर सकते हैं। वही ना, हम आप लोगों का आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, फिर आगे चलकर कोई निर्दोष ना मरे। पुलिस नहीं किए तो आप लोग भी तो जाँच करवा सकते हैं ना। वही ना, हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, इस पर जाँच होगा।
कपड़े की तो कोई नहीं जांच करवा रहे हैं, करवाते तो सर पता चल जाता, निर्दोष के फंसाया जा रहा और दोषी जो है सो आराम से बैठी हुई है। कभी जाकर आप पंकज से मिली थी? कभी नहीं। कभी नहीं मिली थी? पहली बार कहाँ पर आपका भेंट हुआ था पंकज से? नहीं भेंट नहीं हुआ था कभी, मतलब पेठियार जाते थे तो देखते थे उनको, और भेंट आने कभी की। पंकज प्रपोज किए थे कि आप किए थे? वही किए थे। पंकज किए थे जी। क्या बोले थे उस समय? वही बोलते जो हमको तुमसे, मतलब सहेली द्वारा बोले थे जो हमको उससे बात करना है। पुलिस प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहिए जो निर्दोष है उसको छोड़ देना चाहिए, जो दोषी है उसको सजा देना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए।